अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश व आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको हर बला हर बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चना पुलाव भी बोल सकते हैं आप इसे। इसके लिए मैंने एक कप चना दाल, इससे मेजरमेंट करके एक कप चना दाल ली है। चावल आप चाहें तो बराबर भी ले सकते हैं। मैंने इसको इस मेजरमेंट से 1.25 कप चावल लिए जो मैंने भिगो के रखे हैं। इसके लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, 1 टमाटर लूँगी गरम मसाला, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्ची ली है, 4-5 मैंने लौंग ली, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया। हमने 1 प्याज ली है, 100 ml के करीब हमने ऑयल डाला है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर दें। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। हम दाल ऐड कर देंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल का बटन है उसे प्रेस करिए ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल दें, टमाटर भी डाल दें। हमने चावल भी वॉश करके रखा, उसको भी ऐड कर लेंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक चला लेंगे।
अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। उसको पानी ऐड करें, दो कप पानी ऐड करें। अब हम इसमें नमक ऐड कर दें। आप भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, जब भी आप बनाए बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। देखिए हमने थोड़ा सा 1 इंच के करीब पानी हमारा ऊपर है। अब हम इसकी लीड लगा देंगे, बॉईल आने पे हम लीड लगाएंगे। बॉईल आ गया, अब हम इसकी लिड लगा देंगे, कवर करके रख देंगे 1 सीटी आने तक। हमारी 1 सीटी आ गए, हम पतले हाथ कर देंगे। इसे आप रायते के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, अचार के साथ, जिससे आप चाय खा सकते हैं, बहुत बढ़िया और टेस्टी लगती है। मेरी रेसिपी तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।